आज बठिंडा में पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब ने गेट रैली में पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी धरना प्रदर्शन किया। पीआरटीसी के वर्करों ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वे काफ़ी समय से हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कई मांगें पूरी ना होने पर तीखे संघर्ष की चेतावनी दी। आइए देखिए बठिंडा से पत्रकार विनय सबरवाल की खास रिपोर्ट। पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 इतने मुलाजिमों का एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पक्की भर्ती बंद करो बंद करो बंद करो। पक्की भर्ती का प्रबंध करो बंद करो प्रबंध करो। नौजवानों का शोषण करना बंद करो बंद करो बंद करो। जी बड़ा योजना बोलो लेगा बोल दो हम वक् वक् ग्रुपों के कई तरीके अफवाह फैलाई जाएगी के जेड़े नवे भर्ती होके मुंडे आए ने पंजाब के बेरोजगार नौजवान पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का सूबा मीत प्रधान जी अज की गेट रैली की गई की कारण अज की गेट रैली की गई कि असी पिछले काफ़ी समय तो संघर्ष करते आ रहे हैं कि नवी सरकार के नाल साड़ी पिछे जो मीटिंग हुई थी 14 तरीक नूं असी हड़ताल करके मीटिंग ली सी। उस मीटिंग दे विच सरकार वालों कोई साढ़े डिपार्टमेंट नूं हदायतां दित्तियां गईआं सी कि जिवें कि किलोमीटर बसा उन्होंने कहा कि एक बार इस चीज़ नूं मुद्दे नूं पछाड़िया जाएगा नहीं पाई जांदियां तां जिहड़ी नवी भर्ती आउटसोर्स की जा रही है उस चीज़ बारे भी विचार की जाएगी। पर पी आर टी दी मैनेजमेंट जिहड़ी कि नवी भर्ती भी लैके आ रही है भर्ती करके डिपुआ के वर्करों को भेज रही है तो किलोमीटर बसों का टेंडर भी दोबारा कढ़ रही है जिस दे के विरोध वजो असी आपके सारे प्रोग्राम द्वारा स्टैंड करते हैं। तो पंजाब के असी 26, 27, 28, 29 तरीक की जो 3 रोजा मुकम्मल हड़ताल रखी है उस चीज़ के संबंध में असी अज सारे पंजाब के डिपुआ के 2 घंटे लिए गेट रैली रखी है। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਘੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲਾਏ ਧਰਨਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।